हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें हम जो है 200 प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जिसका जो पुलिस का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है, वह जो है इस पेपर को एक बार जरूर से देखें, क्योंकि यह पेपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह 2016 में पटवारी में पूछा गया पेपर है। तो इससे दोस्तों आपको जो है कई सारे उत्तराखंड के कई सारे प्रश्न जो है अच्छे अच्छे यानी कि अच्छे लेवल के प्रश्न दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो है जो पटवारी है पुलिस हो सकता है दोस्तों, पुलिस में जो है रिपीटेड प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो है अधिकतर प्रश्न रिपीटेड होते हैं, सेम पेपर के नहीं होते दोस्तों। जैसे पटवारी का है तो पटवारी के प्रश्न जो है पुलिस में आ सकते हैं। तो ये जो 200 प्रश्न है दोस्तों, इसको हम जो है फटाक से तुरंत अभी जो है मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि प्रद्युमन नरेश, तो ये है दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रद्युमन शाह नरेश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए, तो किसके विरुद्ध? ये डॉट डॉट का निशान दिया है दोस्तों, किसके विरुद्ध? यानी कि जो प्रद्युमन शाह नरेश है, प्रद्युमन शाह नरेश डॉट 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 के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर को मैं दोस्तों आपको जो है जो आंसर है उसको बताते रहता हूँ, क्योंकि डिस्कस करने का इसमें समय नहीं है, 200 प्रश्न है, सभी को हम कवर करना है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों डोलापाल की संबंधित है, तो किससे संबंधित था दोस्तों? शिल्पकार से संबंधित था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र है, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित है, जो कौन सा है दोस्तों? ढोल भी उत्तराखंड का है, मशकबीन भी है, हुड़का भी है, यानी कि यह सभी जो है उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों सूची, प्रश्न नंबर 4 है, सूची क और सूची ख का मिलान कीजिए, तो संबंधित प्रश्न आता है। कल जो दोस्तों हमने जो है इसके बारे में चर्चा की है, तो कल हमने दोस्तों इसके बारे में चर्चा की है, तो आप भी अगर आपने वह वीडियो देखनी है दोस्तों, तो आप भी वह जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलान कीजिए दोस्तों, इसमें है बिस्सू मेला, बिस्सू मेला सबको पता है दोस्तों कहाँ लगता है? चक्रता ब्लॉक में, यानी कि क का क्या है दोस्तों? क का आपका 3 है। तो ऑप्शन में कौन कौन सा दोस्तों? पहले ऑप्शन में क का 3 नहीं दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है। और दूसरा कहाँ लगता है? सुरकंडा मेला, बिस्सू मेला चक्राता में लगता है, और सुरकंडा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? टिहरी में लगता है। यानी कि पहले का आपका क का आपका 3 है, और ख का आपका क्या है दोस्तों? 1 है। तो पहले तो इसमें कौन सा है दोस्तों? ख का 3, यानी कि क का आपको ऑप्शन ऑप्शन ग में जो आपको दोस्तों क का 3 है, और ख का आपको 1 यहां पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सभी जो इसके राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंटरनेट के माध्यम से आयोजित मेल अथवा मैसेज की अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? स्पॉम, वॉर्म, ट्रोजन या ऑनलाइन मार्केटिंग? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है यानी कि स्पॉम। स्पॉम वो ऐसे ऐसे मैसेज होते हैं दोस्तों जो बल्क में भेजे जाते हैं किसी भी द्वारा, यानी कि किसी अन्य पर्सन द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आता है कि भारत ने 2016 के साउथ एशियन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2016 दोस्तों आपको 2021, 2022, 2023 नोट करना है, ये 2000 का पेपर है इसलिए इसमें 2016 का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से कौन संबंधित है? चैन लॉग, कैरोलिना मारिन, मोहम्मद आसन और हेंद्रा सेतवान? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर जो है प्रिंट नहीं हो रखा है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यानी कि ये जो सभी है उपरोक्त सभी, ये जो सभी है दोस्तों संबंधित है, सभी संबंधित है जो बैडमिंटन से दोस्तों, ये जो सभी जितने भी हैं ये सभी से संबंधित हैं। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है कि सही युग्म का चयन कीजिए। एक साइड आपके खिलाड़ी दिए दोस्तों, एक साइड जो है आपका क्या दिया है दोस्तों? एक साइड आपके जो है खेल दिए हुए हैं। तो खेल से संबंधित जो वीडियो है दोस्तों, खिलाड़ी है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा भी कर रखी है, तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। यानी कि जितने भी है दोस्तों ये सभी जो है इससे संबंधित है, तो ये सभी सही है दोस्तों, आप जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? तो कौन से फल की पैदावार नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि नारियल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि हिमालय की बेटी। जो पुस्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, आपको जो है सभी जितनी पुस्तक है सभी के बारे में आपको अच्छे से एक चार्ट बनाना है, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि किदंबी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नंदा जात यात्रा से संबंधित है, तो कौन सा दोस्तों, चौसिंगिया, खाड़ू, छंतोली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों संबंधित है। तो ये दोस्तों खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड और इंडिया से, तो आपको खेल से संबंधित जो भी खिलाड़ी है दोस्तों उनसे उनको आपने अच्छे से नोट करना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था, तो कहाँ चलाया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चंपारण में चलाया। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 आता है कि पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो कौन वह पाकिस्तानी नागरिक है दोस्तों जिसे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गलत युग्म का चयन किए, झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य, नगाड़ा गीत, जो नगाड़ा है दोस्तों क्या है आपका वाद्य यंत्र है, तो इसे आपको स्टिक करना ही है, और जो आपका क्या है गलत है, सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन के नाम से जानी जाती है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी डिस्क फिक्स डिस्क होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क, तो कौन सी होती है जो फिक्स होती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हार्ड डिस्क रहती है दोस्तों आपकी वो क्या रहती है, फिक्स डिस्क रहती है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 23 है कि एक बीमारी में सदैव क्या रहता है दोस्तों, एक बीमारी में सदैव हमेशा कारण रहता है, ना कि रोगाणु, इलाज, दवा, तो क्या रहता है दोस्तों, हर बीमारी का कारण रहता है। तो अगला प्रश्न आता है 30 कि एक अखबार में सदैव क्या रहता है दोस्तों, समाचार कागज, एडिटर, विज्ञापन, तो एक अखबार में दोस्तों कागज नहीं रहता, क्या रहता, हमेशा समाचार रहता है। तो अगला प्रश्न आता है कि आईसीसी वर्ल्ड टी20 2016 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, तो कौन था दोस्तों 2016 में, विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है 2021-2022 के बारे में चर्चा करनी है, मेन पॉइंट है। तो अगला प्रश्न है 2016 में एशिया कप टी20 किसने जीता, तो किसने जीता दोस्तों, तो अपना भारत ने जीता जो एशिया कप। खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आपको अच्छे से कवर करना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 कि निम्न में से किसको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया, तो किसको चुना गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्तमान में विनोद राय है, तो विनोद राय वर्तमान में क्या है, कुछ नहीं, ये जो 2016 का पेपर है दोस्तों, विनोद राय जो वर्तमान में समय कुछ नहीं थे। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 आता है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि प्रकाश पंत। तो अगला आता है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, कौन थे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आता है दोस्तों कि 37 है कि लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर, या काली नदी पर, तो किस नदी पर बना दोस्तों, यमुना नदी पर बना है। तो ये है दोस्तों आपका जो यहां से उत्तराखंड हो जाता है। तो बीच बीच में कई प्रश्न ऐसे दोस्तों, जैसे मैं अभी 19 के बारे में, 19 के बाद सीधे मैं 28 से चर्चा कर रहा हूं, बीच बीच में जो प्रश्न छूट रहे दोस्तों वो क्या है, वो आपके जो है मैथ्स के प्रश्न है, और कुछ जो है इनमें रीजनिंग के प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग जो है दोस्तों, जो मैथ्स है उसे हम, उसका पोर्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि मैथ इसमें इस बार नहीं है, और जो रीजनिंग है दोस्तों उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि 38 है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए दोस्तों कि क्या है, पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है, गोचर हवाई अड्डा कहाँ पर है, नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो क्या है दोस्तों, कौन सा है इसमें गलत। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि प्रश्न नंबर 44, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, बिनसर कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है, सोना नदी कहाँ है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, यानी कि आपका जो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर वो इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 आता है कि उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, कहाँ है दोस्तों, देहरादून में स्थित है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ है लोक संस्कृति संग्रहालय, कहाँ है दोस्तों, खुटानी भीमताल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अब आता है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आता है कि इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, तो कौन सी दोस्तों, फाइल हस्तांतरण, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या रिमोट लॉन इन, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्या है, फाइल हस्तांतरण भी होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी होता है, और रिमोटिक लोनिंग भी होता है, यह जो है इंटरनेट में सुविधाएं रहती है। तो अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 48 है कि इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है, तो किसका होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो टीसीपी या आईपी, इन दोनों का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यह जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 आता है कि उत्तराखंड में लोकसभा सीट क्षेत्र कितने हैं, तो कितने हैं दोस्तों, यह आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किसकी है दोस्तों, तो किसकी है, यह जनगणना से पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। तो जनगणना से दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की कम जनसंख्या, तो किसके दोस्तों, देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, या पिथौरागढ़, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो क्या है, वन संपदा, पर्यटन, फिल्म उद्योग या खनन। तो क्या है दोस्तों, यानी कि पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आता है दोस्तों उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल संबंधित, तो किससे है दोस्तों, जो चाल खाल का जो संबंध है दोस्तों जल संरक्षण से संबंधित है। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 59 है कि डॉट डॉट फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का 28वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता। जो ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों, जो फिल्म से संबंधित पुरस्कार है 2021-22 में, आपको उन सभी को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो कौन से दोस्तों, गणितज्ञ, फोटोग्राफी, जल संचय। इसका राइट आंसर दोस्तों फोटोग्राफी, फोटोग्राफी से इनका संबंध है। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1952 नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी दोस्तों 1952 में अयोध्या नामक पुस्तक, किसने लिखी थी, पीवी नरसिम्हा। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेना दोस्तों, कि प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो किसके अंदर होंगे दोस्तों, अधिकतर जो है 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। ये दोस्तों आपको जो है पॉलिटी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित होती है। तो किसमें होती है दोस्तों, संसद में होती है, भारत का राष्ट्रपति विधि आयोग में होती है। तो किसमें होती है, यानी कि संसद में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसे भी आपको देखना है दोस्तों कि पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 64 है कि सूची ए तथा सूची दो का मिलान कीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण यानी कि पहले का क्या है दोस्तों, पहले का आपका तीसरा है। तो पहले का तीसरा कहां पर है दोस्तों, तो सभी में क्या दिया हो दोस्तों, पहले का तीसरा दिया हुआ है, यानी कि कौ में तीसरा, तीसरा तीसरा जो है सभी में दिया है। इससे भी दोस्तों आपको यह प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या देखना दोस्तों, जो सबसे इजी होगा, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यानी कि तीसरा है, यानी कि जो गौ का है दोस्तों आपका क्या है, 14 है। तो गौ का 14 कहां पर है दोस्तों, ये आपका गौ है, ऑप्शन नंबर ए में यहां पर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2। गौ का क्या है दोस्तों, गौ का जो आपका 2 है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको जो दोस्तों सभी को मिलाने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड यानी कि जो अपडेट है महत्वपूर्ण जानकारी के नाम से एक चैनल है, उसमें यह वीडियो डाल दी गई है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर में स्थित है, तो कहाँ है, मुंबई, पुणे, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण स्थल है, जो भारत के उन सभी को आपको कवर करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों गलत कथन का चयन कीजिए। तो अमृत शेरगिल एक कवि है, भीमसेन जोशी एक चित्रकार है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि है। तो कौन से दोस्तों इनमें से जो है गलत युग में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि क और ख, यह दोनों गलत है, यह जो है दोस्तों राइट है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न युगमों में से कौन से सही सुमेलित है। तो गरबा गुजरात में होता है दोस्तों, मोहिनीअट्टम उड़ीसा में है, यक्षगान कर्नाटक। तो इसमें है दोस्तों क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसमें सुमेलित है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अंडे देता है और सीधी बच्चे नहीं देता, कौन, कंगारू, एकिडना से ही या इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है दोस्तों वो अंडे देता है, सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों आरडीएक्स का एक अन्य नाम है, तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, साइक्लोनाइटिस। साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, साइंस शायद आपको दिया नहीं होगा सिलेबस में। तो अगला आता है कि उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है, तो कहां पर है दोस्तों, तो यह जो आपका गोपेश्वर में है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किस व्यक्ति अथवा संस्था का परेशान करने के लिए एक शब्द है, साइबरनेट, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रेस। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, खोज इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 72 आता है कि निम्न में से उत्तराखंड किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो किन जनपदों में दोस्तों, ऑप्शन आपके जो है, ऑप्शन आप यहाँ पर जो है इरेज हो रखा है। तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसको अपने कमेंट में करना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 80 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2016 का खिताब किसने जीता। तो 2016 का जिसने जीता दोस्तों, तो आपको 2021-22 का नोट रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको पता लग गया होगा खेल से संबंधित जो है, खेल से संबंधित कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों कि ओलंपिक 2016 खेलों की शुरुआत कब से हुई। तो इसका राइट है 2016 में, कभी दोस्तों 5 अगस्त 2016 से शुरू हुआ था। तो अगला आता है दोस्तों कि को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए कहा जाना जाता है, तो किसे दोस्तों, राजा पिथौरा, राजा प्रीतम या राजा पिथौरा शाही।
तो यानी कि जो राजा पिथौराशाही दोस्तों, उन्होंने जो है पिथौरागढ़ की स्थापना की, यह जाना जाता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? सबको पता है इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि गलत कथन का चयन कीजिए। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, कर्णावती को नाकटिक रानी से जाना जाता है, और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है। तो इनमें से गलत कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है इसका क जो है इसका गलत आंसर है। तो गौरीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाते हैं दोस्तों? इससे जो आपको गौरा या गिरदा जिस नाम से जाना जाता है आपको कमेंट में करना है। तो अगला आता है दोस्तों कि कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो कौन सी होता है दोस्तों? यांत्रिक, लेजर, विद्युत चुंबकीय या विद्युत। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, यदि आपको जो है यहाँ पर जो है बीच बीच में प्रश्न आपको गायब देखने को मिल रहे हैं, जैसे सीधे जो है जैसे मैं 70 से सीधे 88-89 में जा रहा हूँ, तो आप समझ लेना बीच में जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न है और मैथ के प्रश्न है जो इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं। जो मैथ है दोस्तों उसको हम छोड़ देंगे, जो रीजनिंग होगी उसे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करते हुए कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो दोस्तों जो है सॉल्व करने में टाइम लगता है और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगला आता है दोस्तों कि कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो कौन सी होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आता है दोस्तों सूची क और सूची ख का मिलान कीजिए। जो मिलान से संबंधित है दोस्तों यूके पीएससी का फेवरेट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो चित्त का मिलान कीजिए, तो सूची ख इसमें दिया है दोस्तों चित्ताई मंदिर, टपकेश्वर मंदिर और मनसा देवी मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो मनसा देवी मंदिर है, आपको मनसा देवी मंदिर सबको पता है दोस्तों कहाँ पर है? हरिद्वार में है। कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में है। तो घ का कहाँ है दोस्तों? घ का आपका दो है। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों घ का दो कहाँ पर दिया है? जो घ का दो दिया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में घ का दो दिया है, यानी कि यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपको सभी प्रश्न मिलाने की जरूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 आता है कि पंकज किसी धुरी, यह जो है मैथ से है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो क्या है दोस्तों? यानी कि धूलकण। यह भी साइंस से पूछा गया है। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न प्रकरणों में से किस एक के साथ सी वाई एम के संबंधित है तो किसके साथ है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर से पूछा गया सवाल है। क्या बात है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है? क्रुक्स कांच। तो जो साइंस से प्रश्न है दोस्तों ये जो है इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि जो है दोस्तों साइंस आपके इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर, इसमें तो साइंस के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगला आता है दोस्तों कि लेजर प्रिंटर में निम्न में से कि कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? डॉट लेजर, गैस लेजर, लाइन लेजर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डॉट लेजर। अगला है तर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। तो अगला आता है दोस्तों कि लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ पर है दोस्तों? भुवनेश्वर, यानी कि जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों उनको आपने एक अच्छे चार्ट में कवर करना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो कौन सी है दोस्तों? एसटीआर। तो आपको गूगल में सर्च करना है एसटीआर क्या है, क्यों समझी जाती है। तो अगला आता है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अभिषेक, टिप्पणी, अजोधा, यानी कि सभी क्या है दोस्तों? अशुद्ध है। अभी दोस्तों यहां से जो आपका मैराथन चलने वाला है हिंदी, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से आपको हिंदी देखने को मिलेगी। तो जिस भाई साहब ने पूरी कवर कर ली है हिंदी, वो यहाँ पर इन सभी उत्तर का, अगर आपने सही भी 40 प्रश्नों के दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी को लगभग देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके 40 में से अगर 35 या 30 सही मिलेंगे, सही जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। अब आता है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी से प्रश्न पूछा गया, उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी। उत्तरदायी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? यानी कि जैसा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला आता है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है दोस्तों इनमें से शुद्ध है? सामर्थ्य कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला आता है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, निश्चितता, विच्छिन्न, तीव्र, कर्मधार्य, ये है दोस्तों इसका अशुद्ध। तो आता है बीती बिबारी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नगरी, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? जल्दी से जल्दी, कौन सा दोस्तों? रूपक अलंकार। क्यों है रूपक अलंकार यह समझाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगला आता है दोस्तों कि जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां होता है, तो क्या होता है दोस्तों? वहां जो है एक से अधिक शब्द हो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तब आता है हींक लगे ना फिटकरी, रंग चोखा की आवे, लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि हींग न डालने से सब्जी का स्वाद आता है, ऑप्शन नंबर
और इसका राइट आंसर है मुर्गा बांग न देगा तो क्या सुबह न होगे। इस लोकों की अर्थ क्या है दोस्तों, तो किस किसके घर में मुर्गा बांग देता है, तो जिसके भी घर में मुर्गा बांग देता है दोस्तों वो यस करे, हाथ खड़े करे, ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मुर्गा सुबह 4 बजे बांग करते हैं, या उसी का है दोस्तों 107 प्रश्न किया था, तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अवसर का फायदा उठाना। तो अगला है दोस्तों काव्य शोभारम धर्मान प्रक्षत्य, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों यानी कि उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों, समय गान, समय मान, यह प्रशासनिक नहीं है। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सभी प्रशासनिक शब्द है। तो अब लगता है कि इतिला विधिक शब्द का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों, गौ सूचना। तो अगला आता है कि अन्वेषण विधिक का शब्द का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला आता है कि अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर गौ। तो अगला आता है कि कैंचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, जो कुमाऊनी वाले हैं वो गुच्चू केलो गमेलिया कितौल, क्या जाता है दोस्तों, कैंचुए के जो कुमाऊनी में किस नाम से जाना जाता है, कितौल नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कितौल, कितौल नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है, तो सम्मुख के लिए क्या गढ़वाली शब्द है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों रक्त को कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर को यानी कि लोए। तो अगला प्रश्न आता है कि ईख को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो अगला है कुमाऊं में बेटे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि चल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 120 है कि चींटी के लिए गढ़वाली बोली में शब्द आता है, तो क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि किरमुल जो है आता है। तो अगला आता है दोस्तों कि याद के लिए गढ़वाली शब्द में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है, तो किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी खुद जो है कहा जाता है। तो अगला है गढ़वाली बोली में बल्द शब्द का अर्थ क्या रहता है, तो इसका अर्थ रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैल। तो अगला आता है दोस्तों जगतनाथ, जगतनाथ और दिग्गज में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है दोस्तों जगतनाथ और दिग्गज में, विसर्ग है, व्यंजन है, स्वर संधि है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, आपका जो है व्यंजन संधि है। तो अगला आता है कि लौकिक का विलोम शब्द है, तो लौकिक का क्या है दोस्तों, विलोम शब्द, अलौकिक, परलौकिक, लौकिक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला आता है कि मुद्रा के अनेकार्थी शब्द है मोहर सिक्का, तो क्या है दोस्तों, दोनों जो है इसके अनेकार्थी शब्द है। तो अगला आता है कि कार तद्धित प्रत्यय के निम्न में से कौन से बनेगा, तो कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, ये सभी जो दोस्तों कार प्रत्यय से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि खेलनहार और होनहार शब्दों में कृत प्रत्यय है, तो कौन सा है, खेल हो, तो कौन सा है दोस्तों इसमें कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, जो धातु के साथ जुड़े रहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार। तो अगला है दोस्तों बकुली, बदौलत एवं बना में आगत उपसर्ग है, तो कौन सा है दोस्तों, बौ, उपसर्ग की बात की दोस्तों जो शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, तो कौन सा है दोस्तों इसमें जो है बदौलत, बदौलत में कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर को आंसर रहेगा। तो अगला है दोस्तों निम्न में से तत्सम उपसर्ग चुनिए, अधिनायक, अधिनायक में, तो उपसर्ग की बात की दोस्तों अधिनायक यानी कि उपसर्ग, तो इसमें है दोस्तों अधिनायक में अधि है, अनुमान में अनु है, और सुगम में सु, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला है दोस्तों कि वे लघुतम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहलाते हैं। तो अगला आता है दोस्तों 131 है पाप शब्द का विलोम है, तो पाप का क्या है दोस्तों, पाप का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, पाप का होता है पुण्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आता है दोस्तों कमल का पर्यायवाची है, तो कौन सा दोस्तों, पुंडीरक, चीर, कुंजन, तो कौन सा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला आता है सोना का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, स्वर्ण, कंचन या इनमें से कोई नहीं, कटक या इनमें से कोई नहीं, तो 133 के क्या है दोस्तों, ख और ख दोनों। तो अगला आता है दोस्तों कि महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, गौरीपत, पशुपति, यपोधर या त्रिपुरारी, तो जिसका जो पयोधर है दोस्तों महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगला आता है पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला अंबर है जिसका, तो उपरोक्त में से कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है, इसका जो क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि बहुव्रीहि समास। तो अगला आता है दोस्तों कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द के अंत में तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जो है
क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि पुंडलुक शब्द के लिए दोनों सूची का मिलान कीजिए, कौन सा है दोस्तों पुंडलुक शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिलान आप कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास सुख दुख भाई बहन आजन्म, तो इनमें से कौन सा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों का हस्तलिखित, हस्त प्लस लिखित, हस्त से लिखित में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला जो आता है दोस्तों कि मैं पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि कर्मधारी समास, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला आता है दोस्तों कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, से जो है संज्ञा कहते हैं। तो अगला आता है कि अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है दोस्तों, अग्नि अनल पावक हुताशन, ये सभी क्या है दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। तो अगला है तो कि निम्न में से देश शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है दोस्तों देश शब्द, लोटा, कौन सा दोस्तों इनमें से जो है लोटा, झोला, भोपो, ये सभी क्या है दोस्तों, ये जो आपके सभी जो है देश शब्द है। तो अगला आता है कि संकर शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा है दोस्तों, छायादार, झूला, रिक्शा या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला है दोस्तों, अगला है कि वो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। तो अगला आता है मन भाव मनोभाव और निर्फल में कौन सी संधि है, तो कौन सी है दोस्तों, इसमें जो है विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। तो अगला आता है कि व्यंजन संधि के उदाहरण दीजिए, सद्गुण, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, व्यंजन संधि, कौन किस में व्यंजन संधि है दोस्तों, तो इसमें है ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर घ में जो दोस्तों आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। तो अगला आता है दोस्तों परम ईश्वर, परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या उपरोक्त में से दोनों, तो इसका राइट है दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो अगला आता है निम्न में से यण संधि के उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, उदाहरण है दोस्तों इसका जो उदाहरण क्या है, जो सभी एग्जांपल है दोस्तों, जैसे अत्यधिक, अतिधन, अधिक, सुधन, आगत, यह सभी जो है यण संधि के एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है सही युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें दोस्तों तिलहरी आभूषण गले में पहनती है महिलाएं, बेड़ूपा को बारहमासा, मोहन उप्रेती और जागर गायिका बसंती बिष्ट या उपरेक्त सभी जो है सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये सभी है दोस्तों जब सभी जो है सत्य कथन है। तो अगला आता है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, मेगा आकुमावनी फिल्म है, जगवाल गढ़वाली फिल्म है, गोविंद बल्लभ भारत रत्न और मेघदूत प्रेमचंद, तो मेघदूत किसकी है दोस्तों, इसको आपने कमेंट करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि यह जो है गलत युग्म है। तब आता है दोस्तों यह जो है रीजनिंग का है, यह आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना। इसमें क्या है दोस्तों होमवर्क नहीं है, 5 × 2 कितना हो 10 + 2 तो कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 12, उसी प्रकार 12 × 2 कितना हुआ दोस्तों 24, 24 में 2 जोड़ोगे तो कितना हुआ 26, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से क्या करना है 110 × 2 कितना हुआ दोस्तों 220 + 2 कितना हुआ दोस्तों 222, तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आपका आता है दोस्तों कि शिल्पी का परिचय देते हुए ऋचा ने कहा, तो यह मेरे इकलौते प्रिय, रीजनिंग का दोस्तों, रीजनिंग हम बाद में कवर करेंगे तो इसे अभी रहने देते हैं। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि नए भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था, तो किसने बनाया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला आता है दोस्तों कि आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर को, यानी कि राज्य क्षेत्र के अधिकार से इसका संबंध है। तो अगला आता है दोस्तों कि भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है दोस्तों कि 58 है कि निम्न में से कौन सा, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी कि क और ख, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ, इसे आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष में पारित हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कौन सा शहर जांच कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन चोटिया, ऑपरेशन सूर्य होप, तो कौन सा है दोस्तों संबंधित उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है दोस्तों कि एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य है, तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है कि पाक जल संधि का संबंध है,
क्या संबंध है दोस्तों, भारत और श्रीलंका से जो है इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों कि भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है, तो किससे होता है दोस्तों, 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला जो है दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है दोस्तों, सूची एक और सूची दो का मिलान कीजिए, तो एक साइड आपकी तहसील दी है दोस्तों, एक साइड आपका जिला दिया हुआ है, तो जो है दोस्तों आपको जो है यहाँ पर मैं ऑप्शन में बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला है दोस्तों कि सूची क और सूची घ का मिलान कीजिए, तो क्या है दोस्तों आपको जो है त्यूनी, त्यूनी कहाँ पर है दोस्तों आपका देहरादून में, यानी कि घ का आपका क्या है दोस्तों, घ का जो आपका दो है, तो ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, घ का दो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर क में घ का दो दिया हुआ है, घ का दो दिया हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 173 आता है कि निम्न में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, तो कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर घ जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है दोस्तों कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदन को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बैठ जाना और मर्यादा, ऑप्शन नंबर घ सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब आता है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 175 है कि बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था, तो किससे था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क और ग दोनों से संबंध था। अगला है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा के साथ लगते हैं, यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है तो दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है, तो किस दिन निश्चित की जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है दोस्तों कि सही कथन का चयन कीजिए, रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ईसीपी एंड क्रिक इंशो पुरस्कार जीता। अगला है कि फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, क और ख दोनों सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ख केवल ख। तो अगला आता है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में बी सी डी है, तो बी सी डी क्या है दोस्तों, बाइट कोडी डिजिटल, बिट कोडी डिजिटल, इसका क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाइन कोडी डेसिमल, तो इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा को सन 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो किसे किया गया दोस्तों, किसे किया गया, यानी कि नंदा देवी गोविंद राजा जी 1988 में, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क, यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगला आता है दोस्तों कि रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, रूपकुंड को। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा भारत का भाग नहीं है, कौन सा है दोस्तों, मॉरिशस, माफिया, माल्टा, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, यानी कि ये सभी जो है भारत का भाग नहीं है। तो अगला है दोस्तों कि के अंतर्गत सुमन विदेश मंत्री कहलाता है, तो किसके अंतर्गत कौन कहलाता है दोस्तों, सुमन विदेश मंत्री, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवाजी। तो अगला है दोस्तों कि अलकनंदा और नदी का संगम कहां पर होता है दोस्तों, अलकनंदा विष्णु गंगा मंदाकिनी नंद प्रयाग में किसके साथ होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नंद प्रयाग में, अलकनंदा से नंद प्रयाग में नंदा नदी मिलती है। तो अगला आता है दोस्तों कि सही कथन का चयन कीजिए, माणा पास चमोली में स्थित है, सेला धुरा पास पिथौरागढ़ में है, और क और ख दोनों सही है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि क और ख दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी सदस्य नहीं है, तो कौन है दोस्तों, कौन है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर टी, चीन। तो अगला है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो कौन सा दोस्तों, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, लाला दयाल, लाला ओम दयाल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर को। तो अगला आता है दोस्तों, दाई भाग ग्रंथ का लेखक कौन था, तो कौन था दोस्तों, माधव लक्ष्मीधर जीमूत वाहन, या इनमें से कोई नहीं, तो ख इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है, तो किस प्रकार की युक्ति है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है दोस्तों, यांगना किस युद्ध पताका से संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभिधम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों, ये एक गुफा है। तो अगला है क्योंकि उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहा जाता है दोस्तों, जो बयां ताल है उत्तराखंड का उबलता ताल के नाम से जाना जाता है। तो अगला है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि वर्ग कितने वर्ग के किलोमीटर बराबर होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर होती है दोस्तों, 1 MB किसके बराबर होती है दोस्तों, यानी कि 2 को गाट 20 MB के बराबर होती है।
तो यह है दोस्तों जो पटवारी लेखपाल का जो प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 200 प्रश्न पूछे गए थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।